ओम शांति। आज की तारीख है 30/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे दूर देश से बाप आए हैं। धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने, जब देवता धर्म है तो राजा ही भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं होता। प्रश्न है, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई भी पापात्मा नहीं, तो उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, वहां कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होती है। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसमें ही पाष्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, बाप इशारा करते हैं कि बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के पास जाके गले का हार बनेंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था। तो धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, बाबा कहते हैं कि दुरादेशी बनना है, याद की यात्रा में विकर्मों का याद से विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। नंबर दो, महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानी से डरना नहीं है, कलंगी धर बनना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा वरदान देते हुए बाबा बोले, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सभी शक्तियां हैं, सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा आपके साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है, इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति उसको कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि होगी। स्लोगन है, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।